प्रिय छात्रों नमस्कार। अभी तक हमने आप लोगों को धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में अनुच्छेद 35-25 तक की बात की थी। आज हम 26, 27 और 28 की बात करेंगे और उसमें ये समझेंगे कि 25 और 26 अनुच्छेद किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं और 27-28 किस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों को पूरा करते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, ये सभी अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता की बात को भी स्पष्ट करते हैं। पंथ निरपेक्षता क्या होती है और भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता क्या है, उच्चतम न्यायालय के ने पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में क्या कहा है, ये सब बातें मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं अनुच्छेद 26, 27 और 28 के संदर्भ में इसमें बात करना चाहूँगा। अनुच्छेद 25 में जैसे कि आप देखते हैं कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। जब हम आते हैं अनुच्छेद 26 के संदर्भ में तो हमको यहाँ पर जो बात आती है धार्मिक संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता की बात कही गई है। यहाँ पर देखिए संगठित संस्थाओं को जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसका संदर्भ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अब यहां पर देखिए जब हम यहां पर बात करते हैं अनुच्छेद 25 से 28 जिसमें कि आप देखते हैं ये सारा का सारा मामला ये था क्या धार्मिक स्वतंत्रता का मामला था। इसमें आप यहां पर देखें जो मोटी बात आप समझिए, पहली बात अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में यहां पर देखें अनुच्छेद 26 की बात करते हैं कि व्यक्तियों को जहां प्रदान की गई थी 25, हम 26 में बात करते हैं ये संगठित संस्थाओं संस्थाओं को धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से मुक्ति, यह है। और अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में क्या है, जैसे शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में धार्मिक स्वतंत्रता, ये इतनी बातें जैसे कि आप देखें ये चार अनुच्छेद ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब आप इसके बाद देखें अनुच्छेद 26 की बात हम यहां पर करना चाहेंगे।
तो अब यहां पर देखिए, अनुच्छेद 26 में आते हैं संगठित संस्थाओं के संदर्भ में धार्मिक स्वतंत्रता। यहां पर है अनुच्छेद 27, और अनुच्छेद 26 की बात हम पहले कर ले। अनुच्छेद 26 यहां पर है लोक व्यवस्था, तीन चीजें हैं यहां पर है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में हम अगर बात करें तो देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता तीन सीमाओं के अंतर्गत है, लोक व्यवस्था, सदाचार। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए पहली चीज जिसमें देखिए, एक चीज लोक व्यवस्था है, दूसरी चीज सदाचार है, और तीसरी चीज है स्वास्थ्य। हम तीन चीजों की बात यहां पर कर रहे हैं कि तीन चीजों के अधीन रहते हुए यहां पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है। यहां पर देखिए किसको प्राप्त है, ये धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता ये है किसके अधीन, पहली बात ये तीन चीजों के अधीन। दूसरी बात, अगर हम एक हैं और बी कहें, किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त है। यहां पर देखिए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, यहां पर किसको प्राप्त है, धार्मिक संप्रदाय और किसको, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके किसी अनुभाग को। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके उसके प्रत्येक अनुभाग को, उसके प्रत्येक प्रत्येक ना कहें बल्कि हम किसी अनुभाग को कह लें तो ज्यादा है, अच्छा रहेगा, उसके किसी अनुभाग को। दो चीजें हैं ये स्वतंत्रता प्राप्त है, ये किस किसके अधीन है, ये धार्मिक कार्यों की, ये तीन चीजों के अधीन है। अधीन मतलब सीमाएं, किसको प्राप्त है, धार्मिक संप्रदाय और उसके अनुभाग को। क्या स्वतंत्रता प्राप्त है, क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त है, ये देखिए हमने तीन भागों में इसको तोड़ा और तीन भागों में हम बात कर रहे हैं। प्रत्येक यहां पर स्वतंत्रता जो प्राप्त है वो क्या चीज प्राप्त है, यहां पर देखिए धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्था की स्थापना। पहली चीज क्या है, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्था की स्थापना। यहां पर देखिए नंबर एक, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्था की
स्थापना। ये देखिए पहली, ये पहली चीज यहां पर, ये स्थापना और उसके पोषण का, और उसके पोषण का। यहां पर देखिए एक है, दूसरी चीज क्या चीज प्राप्त है, दूसरी स्वतंत्रता जो हमको यहां पर प्राप्त है, अपने धर्म के विषयक कार्यों के प्रबंधन की। यहां पर देखिए स्वतंत्रता क्या प्राप्त है, संस्था की स्थापना की और धर्म के कार्यों के प्रबंधन की। और तीसरी क्या चीज है, तीसरी चीज यहां पर देखिए, यहां पर तीसरी चीज देखिए, जहां पर हम तीसरी चीज की बात करेंगे, अस्थावर और जंगम, जंगम और अस्थावर संपत्ति के अर्जन, जंगम और अस्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। संपत्ति के, जंगम और अस्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। और चौथी चीज है, आप यहां पर चौथी चीज की, एक चीज की और चौथी चीज की बात मैं करूंगा, जो चौथी चीज वो क्या चीज है, ये यहां पर देखें, ऐसी संपत्ति के विधि, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का। विधि के अनुसार प्रशासन का। अब यहां पर हम देखिए, ये है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में हमने तीन चार बातें का जिक्र किया जो आपके सामने हमने लिखा। यहां पर देखिए पहली बात है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन किन शर्तों के अधीन है, किसके अधीन, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। मतलब इन तीनों को आप किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे, ना तो लोक व्यवस्था को, ना तो सदाचार को यानी सामाजिक नैतिकता को, और ना ही स्वास्थ्य को, ना तो अपने स्वास्थ्य को और ना ही समाज में किसी के स्वास्थ्य को। और लोग ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता ये जो प्राप्त है तीनों शर्तों के अंतर्गत, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसको प्राप्त है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके किसी अनुभाव को। क्या स्वतंत्रता प्राप्त है, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्था की स्थापना के लिए। अब देखिए धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए, यहां पर अनिवार्य रूप से हमने पहले यह बताया था, जब न्यायिक अनिवार्यता के नियम में यह बताया था, तो वहां पर हमने इस चीज की अनुच्छेद 25 में चर्चा की है कि क्या क्या चीज किसी भी धर्म का आवश्यक अंग हो सकते हैं, कि जो उसके सिद्धांतों, अपने धर्म के विषय कार्यों के प्रबंधन की, धर्म के संबंध में जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी रिचुअल्स यानी कर्म कांड इत्यादि, उसके बारे में प्रबंधन की। चौथी चीज है, इन सब चीजों के लिए आपको कोई भी संपत्ति चाहिए। आप यहां पर देखिए संकल्प, जंगम या अस्थावर, यानी जंगम का मतलब होता है चल संपत्ति, अस्थावर अचल संपत्ति के अर्जन, उसको प्राप्त करने, एक्वायर करने और उसको स्वामित्व में रखने का, और उस संपत्ति को जैसा कि हमारा भारतीय विधि कहती है उसके अनुसार प्रशासन करने का। ये अधिकार प्रत्येक
धार्मिक संप्रदाय और उसके अनुभाग को प्राप्त है। ठीक है, अब हम यहां पर इसके बारे में एक चीज ये चर्चा करते हैं कि धार्मिक संप्रदाय है क्या। यहां पर देखिए, हम धार्मिक संप्रदाय की बात करते हैं कि जिसको ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है उसमें धार्मिक संप्रदाय किसको कहेंगे। धार्मिक संप्रदाय यहां पर देखिए तीन चीजों से संबंधित होना चाहिए, तीन शर्तों के अनुसार होना चाहिए। पहली शर्त है किसी संस्था को धार्मिक समूह, हम संस्था को किसी संस्था को धार्मिक संप्रदाय हम तीन शर्तों पर कहेंगे। वो क्या चीज है? पहला चीज, वह ऐसे व्यक्तियों का, पहला चीज नंबर एक, ऐसे व्यक्तियों का समूह हो जो एक सामान्य जीवन पद्धति में विश्वास रखते हो। वह ऐसे व्यक्तियों का एक समूह हो जो कि एक सामान्य जीवन पद्धति में विश्वास रखते हो, जो कि उनके आध्यात्मिक अभिवृद्धि के लिए उपयुक्त हो। जो कि कैसा हो? उनके आध्यात्मिक अभिवृद्धि के लिए, यानी अध्यात्म, उनको जो आध्यात्मिक अभिवृद्धि हो, यानी बढ़ावा मिले, उसके लिए उपयुक्त हो। दूसरी चीज, वह एक सामान्य संगठन हो। और तीसरी चीज, उसका अलग नाम हो। अलग नाम जैसे देखिए, हम कहते बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव मत, वैष्णव मत, ये सब हम कह सकते हैं, ये अलग कह सकते हैं, हिंदू धर्म का भाग कह सकते हैं, जैसे इस्लाम को कह सकते हैं। ये सारे के सारे धार्मिक संप्रदाय के रूप में हैं। ये तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी वो धार्मिक संप्रदाय होगा और उसी को ये सारे के सारे अधिकार प्राप्त होंगे। अब यहां पर आप देखें, अगली चीज पर हम आते हैं, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या बात कहेंगे? अनुच्छेद किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए धार्मिक कर के संदाय से मुक्ति। अगर मान लीजिए कोई भी धार्मिक, यहां पर कोई व्यक्ति ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि जिससे किसी धर्म की अभिवृद्धि हो। कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत, कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहां पर देखिए दो बातें हैं, कर और शुल्क। शुल्क कर से अलग है। कर लिया जाता है जिसके लिए कोई कार्य या कोई चीज करने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। एक कर जो है प्रत्येक नागरिक या किसी प्रत्येक व्यक्ति से लिया जा सकता है। शुल्क किसी सेवा के बदले या किसी कार्य के बदले लिया जाता है। इतनी मोटी सी बात, आप यहां पर इस चीज को ध्यान रखिए। आप यहां पर देखिए एक चीज और भी है कि सरकारी धन से, क्योंकि सरकारी धन कर और इस प्रकार के राजस्व से इकट्ठा होता है, उसको किसी धर्म के लिए एक दिलिया या दिया नहीं जा सकता। ये कहिए कि उसमें से कोष लेकर के किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए या किसी धर्म के लिए अनुदान के रूप में मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए या और किसी उद्देश्य के लिए नहीं दिया जा सकता। जैसे कि वह अगर दिया जाता है तो वह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन होगा। अच्छा, अब यहां पर देखिए अगली बात हम आते हैं अनुच्छेद 28 में। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित से स्वतंत्रता। अगला अनुच्छेद है,
कुछ शिक्षण संस्थाओं में अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या शिक्षाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं यही चीज यहां पर बता रहा हूं, उपासना में बाध्य नहीं किया जा सकता अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त है। उपासना में उपस्थिति से स्वतंत्रता, देखिए यहां पर जब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं तो शिक्षण संस्थाओं की हम चार कैटेगरी बनाते हैं। ये देखिए, राज्य निधि से पोषित संस्था, एक चीज। दूसरी चीज, राज्य निधि निधि से अनुदानित संस्था, नंबर तीन, राज्य निधि से मान्यता प्राप्त संस्था, और नंबर चार, राज्य निधि से पोषित पर किसी विन्यास या न्यास के अंतर्गत स्थापित संस्था के अंतर्गत स्थापित संस्था जहां धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। अब देखिए हम इसकी चर्चा यहां पर करते हैं। चार प्रकार की संस्थाओं की बात, कुछ शिक्षण संस्थाओं में यह अनुच्छेद, अगर मान लीजिए राज्य निधि से पोषित संस्था है, कहने का मतलब सरकारी स्कूल है, इसको हम क्या कहें, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल, यहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, पहली बात। दूसरी चीज, यहां पर देखिए हम इसकी बात करते हैं, राज्य निधि से अनुदानित शिक्षा, अगर राज्य निधि से अनुदानित शिक्षा है, यहां पर शिक्षा तो दी जा सकती है लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह उसमें उपस्थित हो। अगर मान लीजिए वह अल्प वयस्क यानी माइनर है, नाबालिग है, तो वो उसके गार्जियन की सलाह के बिना, अगर वो बालिग है तो उसकी सलाह के बिना, उसको उसकी अनुमति के बिना कभी भी उसको किसी भी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए नहीं बाध्य किया जा सकता। यहां पर देखिए लेकिन एक चीज है
कि राजनीति से अगर कोई संस्था है, अगर किसी न्यास या विन्यास के अंतर्गत वो संस्था स्थापित की गई है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन यहां पर भी बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे होता है कि कुछ सरकार ऐसा करती है कि जैसे एक ट्रस्ट कोई बना हुआ है किसी धार्मिक संप्रदाय का, और उस ट्रस्ट ने सरकार को कोई जगह दे दी कि चलिए भाई आप यहाँ पर स्कूल चलाइए, तो सरकार वहां पर स्कूल चला सकती है। कि जैसे हम आपको लखनऊ में बताएं, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा यानी भूल भुलैया के पीछे एक स्कूल बना हुआ है कि जिसको कहते हैं हुसैनाबाद राजकीय इंटर कॉलेज। तो आप यहां पर देखिए, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट का स्कूल है और हुसैनाबाद ट्रस्ट के हिसाब से यहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, सरकार इसको चलाती है, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत ये स्कूल चलता है। तो आप इस स्कूल में पूरी तरह से देखें, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उसी के अंतर्गत यहाँ पर अगर आप पाएंगे तो शुक्रवार को एक घंटे का इंटरवल होता है, नमाज वगैरह होती है, लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये यहाँ पर हम पूरा करते हैं, और इसी के साथ साथ ये यहाँ का आज का ये वीडियो पूरा होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात भी आपको बार बार ये कहना चाहेंगे कि जो भी समस्या कंपटीशन के संबंध में हो या इस विषय में और भी कुछ आप उनसे जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर जरूर मिलेगा। पहले भी जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है उसका जल्दी से जल्दी, यहाँ तक कि तुरंत उत्तर दिया गया है, तुरंत उत्तर दिया जाएगा। एक बात और भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए हर कंपटीशन की अपनी एक रणनीति होती है। जब तक आप रणनीति के रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए कंपटीशन हमेशा समस्या बना रहेगा। मेहनत सभी करते हैं लेकिन मेहनत या हार्ड वर्क से सफलताएं नहीं मिला करती। हार्ड वर्क के साथ जब स्मार्ट वर्क लगता है तब ये होता है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या मिलती है, लगती है कि आपको कुछ ऐसी हमसे राय चाहिए, तो आप आकर के भी हमारे कोचिंग में आकर के हमसे राय ले सकते हैं, तब भी मैं आपका स्वागत करूंगा और आपको राय दूंगा। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं और उसी के अनुसार उसके लिए जो है रणनीति का निर्धारण किया जाता है, और ये आपके लिए हमेशा लाभकारी होगा। ये बात जरूर है कि इधर कुछ बीमारी और अस्वस्थता की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन इधर मैं निरंतर ये प्रयास करूंगा कि आपको बराबर ये वीडियो देता रहूं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय एक अलग टाइप का वायरल चला हुआ था, उसने घर के घर को परेशान किया, हम लोग भी इससे थोड़ा परेशान रहे, इसलिए वीडियो में अंतराल हुआ। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि हम अंतराल ना करते हुए बराबर आपको वीडियो देते रहेंगे और आपकी समस्याओं का भी समाधान करते रहेंगे। उम्मीद है कि जो भी आपको समस्याएं होंगी उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या रणनीति के बारे में अगर हमसे डिस्कस करना चाहेंगे तो आप कोचिंग पर भी आ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा भाई, अब यहीं पर इसको पूरा करते हैं। धन्यवाद।